हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास में। और आज हम त्रिभुज के बारे में प्रमेय नंबर जो 6.1 है उसको हम पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इंग्लिश में भी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने 6.1 का पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन और सर्वसंगता त्रिभुज त्रिभुज की उसको मैंने सिमिलरिटी समरूपता के बारे में बता दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमेय 6.1 को। 6.1 हम देखेंगे क्या प्रमेय क्या है उसको हम प्रूव करेंगे। इसमें दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अगर हम बात करें, बोल क्या रहा है, तो बोला कोई त्रिभुज है एक, मान लीजिए कोई त्रिभुज एक क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी है। इस एक भुजा के समांतर एक इस किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, मान लीजिए बी सी के समांतर क्या कोई एक इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो मान लीजिए खींची दी है इसके समांतर, तो ये दो अन्य भुजाओं को दो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पर। मान लीजिए पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है, ये बिंदु डी और ई है। तो बोल क्या रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या हो जाएगा कि इसका जो अनुपात है, भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर कट कर रहा है, तो ए डी अपान ए डी बटे डी बी का जो अनुपात होगा ए ई अपान ई सी के बराबर होगा। अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले अगर प्रूव करें तो पहले लिखेंगे क्या है दिया है, क्या दिया गया है, दिया है एक त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपको दिया है। अगर हम इसमें बात करें प्रूफ क्या करना है, हम क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी अपान डी बी बराबर ए ई बटे इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर बात करें हम रचना की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक डी से इस पे क्या लंब खींचेंगे, ए सी पर एक लंब खींचेंगे और ई बिंदु से ए बी पर एक लंब खींचेंगे, ये का लंब हो गया। पॉइंट मान लीजिए कैपिटल एम ए कैपिटल एन है और इस रेखा को ये मिला दीजिए डी सी को और क्या बी को मिलाएंगे, तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि डीएम परपेंडिकुलर डीएम लंब एसी और ईएन लंब एबी खींचा। ये हो गया आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएम और ईएन एबी और एसी पर क्या करेंगे, लंब खींच देंगे। उसके क्या करेंगे, डीसी और
बी को मिलाया, ये आपका क्या हो जाएगा, रचना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ देखेंगे, उपपत्ति। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई का, त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, अगर हम बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है इसका, 1/2 होता है और आधार होता है और एक ऊंचाई होता है। तो ए डी ई में आधार क्या है, ए डी है, और ऊंचाई क्या है, ई एन है। तो आधा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, गुणा आधार क्या है, ए डी है, और ऊंचाई क्या है, ई एन है। आपका त्रिभुज ए डी का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बात करें त्रिभुज बी डी ई का, तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्षेत्रफल आप कितना, बी डी ई क्षेत्रफल आप कितना, बी डी ई, ये क्या हो जाएगा। अगर बी डी ई की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप, यहाँ पर सबसे पहले आप, हम समझा दे रहे हैं आपको, कोई भी एक मान लीजिए, कोई भी क्या है, एक त्रिभुज है, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर इसको हम लोग क्या माने, आधार माने, ये क्या है आधार, या फिर ऐसा ऐसा कोई है, ऐसा कोई चित्र है, इसका आधार क्या है, ए बी और सी है, इसको मान लीजिए ए, तो ए बी सी है, ये क्या है आधार है, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है आधार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार तो आपको मिल गया, अब ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, इस आधार पर इस पॉइंट से शीर्ष ए से क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, ये आपका लंब, अगर ये पॉइंट मान लीजिए डी है, तो इसका एरिया निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े आधार, आधार क्या है बी सी है, ऊंचाई क्या है ए और डी है। ऐसे ही अगर इसका, अगर हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पॉइंट को ऐसे हम बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा देंगे, और इस पॉइंट से क्या करेंगे, ऐसे इस पर एक लंब डालेंगे, ये पॉइंट ए बी और सी है, तो और ये पॉइंट क्या है डी है। तो अगर आधार ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े आधार क्या है ए बी, और इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, जो इस जो आधार है उसको आप बढ़ा दीजिए, और जो बचा हुआ शीर्ष है, सामने वाला जो आधार है उसके सामने वाला शीर्ष से इस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई क्या है सी एन डी है, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा क्षेत्रफल। अगर बात करें इसका क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल आप क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्या, क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े आधार क्या है बी डी है, यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 गुड़े बी डी गुड़े क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े बी डी गुड़े इसकी ऊंचाई क्या है ई और एन है, समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, अतः क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई बटे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ऑफ बी डी ई निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े ए डी गुड़े ई एन बट क्या, 1/2 गुड़े बी डी गुड़े क्या ई एन आपका हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या, ए डी बटे बी डी, ये तो आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ए डी बटे बी, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1।
अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज, किसका, ए डी ई का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। अगर ए डी ई का फिर क्षेत्रफल निकालें ए डी ई का, तो इसमें बेस क्या लेंगे, ए ई लेंगे, और ऊंचाई क्या होगी, डी एम होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ए डी ई 1/2 गुणे बेस, आधार क्या होगा ए ई, ऊंचाई क्या होगा डी एम। फिर अगर बात करें क्षेत्रफल ऑफ डी सी ई की, देखिए यहाँ पर डी सी और ई की, तो ई सी क्या है, आधार लेंगे इसको, ई सी आधार लेंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस आधार से जो सामने और अस्सी से उस पर परपेंडिकुलर जो होगा वही होगा क्या, ऊंचाई होगी। तो इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें एम तक, तो डी से एम तक क्या है, इसकी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम। फिर निकालेंगे अतः क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई / क्षेत्रफल ऑफ डी सी ई निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम / 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम। तो डी एम से डी एम का उसके हाफ से हाफ बचेगा ए ई / ई सी। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर आइए यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर पहले हम अलग से देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जैसे कि अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए कोई कोई त्रिभुज एक मान ले रहे हैं, इसका आधार है, इसके एक पैरल कोई भी इसके समांतर लाइन खींच देंगे हम। अगर इस आधार को लेकर इस पैरल लाइन पे क्या है, इस आधार को लेकर कोई भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे एक ए हो गया आपका, एक ऐसा हो गया, एक इसके 90 डिग्री 90 अंश है, एक आपका ऐसा हो गया यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, और एक ऐसा ले लीजिए कोई भी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, और एक और यहाँ पर देख लीजिए, एक ऐसा ए भी इसके क्या है पैरल लिया, यहाँ से क्या करेंगे एक इसका और एक ऐसा, हम क्या लेंगे त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेंगे। अब इस काम को क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधार लेंगे, अगर इसको ए और बी माने, इसको क्या माने सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, एक इस पॉइंट से सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, अगर त्रिभुज लेना है ए बी डी, तो इससे क्या करेंगे हमको इस पर लंब डालेंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी डी, और इसको मान लीजिए पी, डी पी हो जाएगा। तो अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ए बी और डी का, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, क्या है ए बी है, ऊंचाई क्या होगी, तो जो ए बी डी का निकालना है ना, ए बी डी का, तो डी पॉइंट से जो आधार ए बी पे जो लंब खींचेंगे वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एंड पी। ऐसा ही बात करें ए बी और एफ का जो त्रिभुज है उसका एरिया, तो फिर इस यहाँ पर क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, इसको पॉइंट मान लीजिए क्यू मान लीजिए, तो इसका त्रिभुज का क्या होगा, इसमें बेस क्या है, आधार क्या है आपका ए बी ही है, ऊंचाई क्या है एफ एंड क्यू, और जो एफ क्यू है वो क्या होगा डी पी के बराबर होगा। तो इस पर कोई भी त्रिभुज लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर बात कर ले हैं, इसको मान लीजिए आप, इस पॉइंट को मान लें हम बी और सी, इसको मान लें डी, और इसको क्या मान लें ई मान लें। अब अगर त्रिभुज बी डी ई की बात करें, और त्रिभुज डी सी ई की बात करें, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, इसका दोनों आधार क्या है डी ई है, अगर आधार डी ई है, अगर इस त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं,
ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई के लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इस बिंदु से इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। लंब डाल दिए, फिर इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। तो इसका ऊंचाई हो गया। अब इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है, डी ई है, ऊंचाई क्या है, ये है, इसको पी और इसको क्यू मान लीजिए। तो जो बी पी होगा वो क्यू सी के बराबर होगा। तो अगर इसकी बात करें हम, तो 1/2 × बी डी ई की बात करें अगर एरिया की, क्षेत्रफल की, तो 1/2 डी ई / क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। और इसका और त्रिभुज डी सी ई की बात करें तो 1/2 डी ई / क्या हो जाएगा, क्यू एंड सी। क्योंकि बी पी बराबर क्या होगा, क्यू सी के, तो इन दोनों का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात किसके करने जा रहे हैं, बी डी ई और डी सी ई की। इसमें आधार क्या है, डी ई सेम है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों का वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बात करें तो क्षेत्रफल आप कितना, त्रिभुज यहाँ पर बात करेंगे, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी, एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने हैं। इसलिए क्षेत्रफल ऑफ बी डी ई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल ऑफ किसके, डी डी ई और सी के बराबर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब देखेंगे आप, इसलिए इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी हो जाएगा इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, आपको प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आगे आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो धन्यवाद आज के लिए।